हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज़ आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। ये मेरा 10th वीडियो लेक्चर है मैट्रिक्स अलजेब्रा टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम हमने यहाँ लिया है। देखो, एक प्रॉब्लम को हम लोग शो करते हैं, शो दैट कि हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, वेर ए इज अ मैट्रिक्स, वेर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ए इन ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको शो करना है। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट मान लिया कि पी एक मैट्रिक्स है ये, और बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हम इसको साबित करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन वी गेट, अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं क्या होगा, ये पी डैश हाफ ए प्लस ए डैश का होल डैश। अब ये डैश क्या है, डैश यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोज का। अब हमने एक प्रॉपर्टी बताया था ना कि के इंटू ए का होल डैश बराबर होगा के इंटू ए डैश का, वेयर के इज स्केलर, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो सारे वीडियोज़ को देखें, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। ये के कोई नंबर है और ये ए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स पर ही ट्रांसपोज आएगा। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोज जब हाफ पर आएगा तो नहीं होगा, हाफ पे नहीं लेगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये डैश फिर अंदर चला आता है, ए डैश प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा। ठीक है, ये किस प्रॉपर्टी से आया, इस प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश, ये बराबर होता है। ठीक है, हाफ हाफ ए डैश हो गया प्लस ए डैश का डैश को बताया था ना मैंने कि इन्वोल्यूशन लॉ होता है ये, ए डैश सिंस ए डैश का डैश इज इक्वल टू होता है ए, ये क्या हो गया, इन्वोल्यूशन लॉ, ए डैश का डैश, सच का उल्टा क्या हो गया, झूठ, फिर झूठ का उल्टा सच हो जाएगा, मतलब ए डैश का डैश वापस दो रोटेशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, ए तो ये वापस आ गया, हाफ ए प्लस ए डैश, हमें वापस सेम मैट्रिक्स मिल गया, हाफ ए प्लस ए डैश, ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स हमें मिल गई वैसे पी, इसका मतलब क्या हो गया, पी डैश जो है पी के बराबर है। तो जब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स से बराबर होता है तो क्या होता है, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे ये समझ में आ गया होगा आपको कि पी डैश हमने लिया और इसको कोई मैट्रिक्स को के वैल्यू को मानकर नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वो जनरल कैटेगरी में आएगा, मतलब वो पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा, ये जनरल केस है। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, हाफ लेट मान लिया हमने q हाफ a माइनस ए डैश, इक्वेशन टू माना, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन टू वी गेट, उसी तरीके से करेंगे q डैश हाफ a माइनस ए डैश का होल डैश, ये डैश कहाँ आएगा, नंबर पे नहीं लगेगा, a माइनस ए डैश का होल डैश पे आ जाएगा ये। उसके बाद ये क्या होगा, हाफ a डैश माइनस a डैश का डैश, a डैश का डैश क्या होता है, इन्वोल्यूशन लॉ, ये फार्मूला है, ये प्रॉपर्टी है ना, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, तो हाफ ए डैश माइनस ये वापस ए आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये सीधा हो जाएगा, ए आगे आ जाएगा, ए डैश बाद में, तो माइनस हाफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू, देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स यही क्यू था ना, ये क्यू था, वापस क्यू डैश किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के, तो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया ये, तो याद रखना हाफ ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और हाफ ए माइनस ए डैश हमेशा इसकी सिमेट्रिक होता है। तो एक रिजल्ट हम देखेंगे, याद रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एग्जाम में प्रॉब्लम्स भी इस पे पूछे जाते हैं कि नोट करके, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तोड़ सकते हैं किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक पार्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दोनों के सम के मोड में। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम इसी पर देखते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है. एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस. ओके, यहां पर देखते हैं. आई होप आपको नजर आ रहा होगा ये वीडियो पूरा. लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 0, 1, 4, 3, -1, 5. ये एक मैट्रिक्स हमने मान लिया, जनरल मैट्रिक्स है. वही मैं राइट, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, देखो ए इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ना हाफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश. वाई, देखो एल एच एस आर एच एस बराबर आनी चाहिए. अगर आप ब्रैकेट को एक्सप्रेस करोगे ए बाई टू यहाँ से आएगा ए बाई टू, ए बाई टू और ये ए बाई टू, एल सी एम होके क्या हो जाएगा ए, और यहाँ से ए डैश बाई टू बनेगा ना, और यहाँ से माइनस ए डैश बाई टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो वो ए बाई टू और ये ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू क्या होता है जोड़ने से 2a/2, तो 2 कट जाएगा, a वापस आ जाएगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बोथ आर इक्वल. तो a इज इक्वल टू, हमने इस मैट्रिक्स को मान लिया p और इस मैट्रिक्स को मान लिया मैंने q, से मैंने कह दिया मान लिया ना. इसके बाद है आप ये देखो, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ p इज इक्वल टू हमारा क्या है, p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश हमने वहां मानी है, हाफ a का मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन में दिया हुआ वहां से उठा के रख देंगे, प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज रो वन कॉलम वन में, रो टू कॉलम टू में, रो थ्री कॉलम थ्री में रख दिया, ऐड किया, रिजल्ट ये बना. कैसे ऐड करते हैं, पहला वाला पहले ही से ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे से ऐड होगा, तीसरा वाला ये तीसरे से, चौथा वाला ये चौथे से, ठीक है ना. इस तरह से ऐड करके ये रिजल्ट हमने बना लिया. और टू को डिवाइड कर दो, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय मैट्रिक्स हम जानते हैं कि सारे टर्म से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, 2 से फिर डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 3 बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेगा तो 3/2 हो जाएगा. इस तरह से बन गया ये p. अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं. p डैश लिया तो रो 1 कहाँ चला आया, कॉलम 1 में, रो 2 कहाँ चला आया, कॉलम 2 में, रो 3 कहाँ चला आया, कॉलम 3 में. तो p डैश वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो गया. देखो ये दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, p डैश इज इक्वल टू p है, इसका मतलब p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, नाउ इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे q के लिए. क्यू में क्या हो गया, हाफ ए माइनस ए डैश हाफ हो गया, ये ए मैट्रिक्स हमने वहाँ से लिख दिया क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, माइनस ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है, रो वन को कॉलम वन में, रो टू को कॉलम टू में, रो थ्री को कहाँ लिखना है, कॉलम थ्री में. अब आपको सब्ट्रैक करनी है बात को, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक करो. हाफ वन में से वन गया तो ये जीरो, फिर टू माइनस जीरो जीरो, वन में से फिर वन गया तो ये जीरो, इस तरह से सब्ट्रैक करेंगे ये आ जाएगा, जीरो में से माइनस टू गया तो माइनस टू, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है, हाफ इस हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू टू क्या हो जाएगा वन, हाफ इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू फाइव फाइव बाई टू, या टू से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बन जाएगा. अब देखो आप एक चीज़ गौर करो, इसका डायगनल एलिमेंट पे ऑटोमेटिक जीरो आ गया ना, डायगनल पे जीरो आना भी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के. ठीक है, मैंने बताया है कि डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो. ठीक है, अब इसका क्यू डैश लेते हैं, ट्रांसपोज लेके देखते हैं. क्यू डैश लिया तो रो वन चला आया कॉलम वन में, रो टू कॉलम टू में, रो थ्री कॉलम थ्री में. यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, जैसे हम माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे जो प्लस होगा, जीरो से तो कोई मैटर नहीं है, यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ये जीरो वैसी रहेगा, ये प्लस वन क्या बन जाएगा माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, जीरो यही है, माइनस फाइव बाई टू बन जाएगा प्लस फाइव बाई टू, और ये जीरो, ये फाइव बाई टू बन जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ये जीरो, ये जीरो. माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले मैट्रिक्स का सारा साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो वापस देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, आ गया ना ये माइनस क्यू के बराबर, मतलब क्यू डैश, मतलब क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस क्यू. ओके, तो ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. नाउ फ्रॉम वन से, अभी हमने इक्वेशन वन जो पहले पेज में माना था, ए इज इक्वल टू क्या था देख लेंगे, पी प्लस क्यू. पी मैट्रिक्स मेरा क्या आया है, पी मैट्रिक्स अभी आया है ना, ये देखो यहाँ से ये पी मैट्रिक्स उठा के वहाँ रखेंगे, और ये क्यू मैट्रिक्स हमारा आया है, ये क्यू मैट्रिक्स है ना, इस क्यू मैट्रिक्स को हम उठा के यहाँ पर ला के रख देंगे इक्वेशन वन में. ये पी मैट्रिक्स आ गया, ये क्यू मैट्रिक्स आ गया, इसको ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने इसको साबित कर दिया कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है. ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो आपको अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, इधर वापस वाला जो गिवन मैट्रिक्स था. देखो वन प्लस जीरो वन आएगा, फिर वन वन टू आ जाएगा, आपका गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा, थ्री प्लस जीरो थ्री, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस जीरो वन, थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू एट बाई टू मतलब फोर, थ्री प्लस जीरो थ्री, थ्री बाई टू में से माइनस फाइव बाई टू घटाएंगे तो माइनस टू बाई टू मतलब माइनस, मतलब इन दोनों को वापस जोड़ देंगे तो आपको ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा जो आपका गिवन मैट्रिक्स है. वही मैट्रिक्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, तो पहला पार्ट हमारा सिमेट्रिक बन गया और दूसरा पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, हैंस द रिजल्ट.
जैसे हम बोल रहे हैं 10 का दो हिस्सा करो, 10 का दो हिस्सा करेंगे तो इक्वल भी कर सकते हैं, 5 + 5, 8 + 2, 6 + 4, 1 + 9। लेकिन अभी हमारे पास कंडीशन दिया हुआ था कि एक मैट्रिक्स के दो हिस्से करें जिसमें पहला हिस्सा हमारा सिमेट्रिक हो और दूसरा हिस्सा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो आई होप ये समझ में आया गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लिख कर फिर से बनाएंगे, प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगे आपको बुक में। ओके, थैंक यू।